अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसकी गोद में हो और उसे चिंता दूध की कि दूध जलकर के गिर ना जाए, लेकिन समझ लेना वो दूध सामान्य नहीं था। भक्तमेव विजानाति भक्तस्य अनुशीलनम्। भक्त ही भक्त की अंतर्वेदना को जानता है, इसलिए मैया यशोदा जानती है दूध साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले घास बने, फिर गायों ने चरा, उनके मुख में गए और फिर वो ऋषि मुनि लोग दूध बन करके आए और सोचते हैं कि मैं गोविंद के काम में आ जाऊं, गोविंद के उदर में प्रविष्ट होकर के जीवन को सौभाग्य कर लूं। लेकिन आज जब उस दूध ने देखा कि गोविंद तो आज माँ के ही आंचल के दूध को पी रहे हैं, तब फिर उनको बुरा लगा। सोचा वो जीवन जो गोविंद के काम न आए उसको रखना ही व्यर्थ है, इसलिए उबल उबल करके वो जल दूध अग्नि में जल करके आत्महत्या कर रहा था। और वो दूध साधारण नहीं था। एक लक्ष अरिष्टा गायें जो दूध देती हैं, वो 1000 पद्मगंधा गायों को दूध पिलाया जाता है, और 1000 पद्मगंधा गायें जो देती हैं वो 100 कपिला गायों को दूध पिलाया जाता है, और 100 कपिला गायें जो दूध देती हैं वो 1 श्यामा को दूध पिलाया जाता है, और 1 श्यामा गाय जो दूध देती है उसे गर्म करके लाला को पिलाया जाता है। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे आंचल का दूध तो मेरे आंचल में सुरक्षित है, जब चाहूंगी तब लाला को पिला दूंगी, लेकिन अगर ये दूध कहीं जल गया तो फिर मैं कहां से दूध लाऊंगी। इसलिए मैया यशोदा